जैश आतंकी ने किया नशे, अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी, आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक के पास से रेकी का वीडियो मिला, बढ़ाई गई डोभाल की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के सांबा से टीआरएफ आतंकी जहूर अहमद राठेर गिरफ्तार, 3 बीजेपी नेताओं और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तान से मिले हथियार से घाटी को दहलाने की साजिश थी। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लाल किला ले जाकर पूछताछ की तैयारी, वारदात के सीक्वेंस को लेकर भी होंगे सवाल जवाब। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह ने उगले कई राज, रिमांड में लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से आईबी और क्राइम ब्रांच की पूछताछ, खालिस्तान और विदेशी फंड को लेकर हुई पूछताछ। सिखों को उकसाने वाली कवरेज पर खालसा टीवी पर कार्रवाई, खालसा टीवी पर ब्रिटिश रेगुलेटर ने लगाया जुर्माना, ब्रिटिश सिखों को उकसाने वाले कार्यक्रम पर जुर्माना। लोकसभा में राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी बीजेपी, स्पीकर को दिया नोटिस, अपनी मर्जी से मौन रखने पर सदन की मर्यादा तोड़ने का आरोप। राहुल गांधी आज अजमेर जिले के रूपनगढ़ में करेंगे ट्रैक्टर रैली, सीएम गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे साथ। अजमेर में राहुल गांधी आज कई किसान सभाओं को संबोधित करेंगे, नागौर जिले के पर्वतसूर और मकराना में भी किसानों की जनसभा। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन, नए कृषि कानून को राहुल गांधी ने कालाबाजारी बढ़ावा देने वाला बताया, कहा 40% लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। सीएम अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा किसानों को केंद्र ने आंदोलन पर किया मजबूर, प्रदर्शन के दौरान अब तक 100 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा पर जवाब दे रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आज खत्म हो जाएगा संसद के बजट सत्र का पहला चरण। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, आज सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने का आदेश दिया गया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी का उपराष्ट्रपति ने किया स्वीकार किया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहादुरगढ़ में सामने आया राकेश शिकैत का असली प्लान, कहा गुजरात को कराएंगे आजाद, दिल्ली की सरहदों पर अब पैदल भी पहुंचेंगे लोग। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, तजाकिस्तान में था केंद्र, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 तीव्रता। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी दिखा, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। भारत के साथ पाकिस्तान में भी महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके, लोगों में खौफ का माहौल। रोहतक के कॉलेज में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, 2 जख्मी, पुरानी रंजिश के चलते वारदात की आशंका। रोहतक फायरिंग में मारे जाने वाले एक ही परिवार के सभी लोग, रेसलिंग के 2 कोचों के बीच झगड़े में हुई थी फायरिंग। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कोहरे का कहर, प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर पर। रिंकू हत्याकांड की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, रिंकू की हत्या चाकू घोप कर की गई थी। दिल्ली में रिंकू हत्याकांड के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध मार्च, प्रदर्शन में परिजन भी हुए शामिल। मुंबई के मलाड में बैंक एटीएम लूटने आए 5 लुटेरे गिरफ्तार, 3 लुटेरे मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुंबई के खार इलाके में पार्किंग में खड़ी पिकअप वैन में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का दिख रहा है असर, कोरोना के सिर्फ 1,35,000 एक्टिव केस, बाकी 18 राज्यों में 24 घंटे के भीतर एक भी कोरोना से मौत की पुष्टि नहीं। भारत और चीन के बीच 10वें दौर की होगी वार्ता, दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडर अन्य मुद्दे पर करेंगे चर्चा, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। उत्तराखंड त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हुई, 11 शवों की शिनाख्त की गई, अभी 168 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के तपोवन में फिर तबाही मचा सकती है ऋषि गंगा नदी, आपदा के बाद भारी मलबा आने से पहाड़ पर बनी झील। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIG ई गवर्नेंस अवार्ड कार्यक्रम में बताया तकनीक का महत्व, कहा 30 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए, एक साल में सरकार ने 2500 करोड़ रुपए भी बचाए। मथुरा में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश में 2.25 लाख शिक्षकों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का एरियर, 1 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2019 तक का फायदा दिया जाएगा। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रैन बसेरे का दौरा, व्यवस्थाओं का लिया हालचाल। उज्जैन में बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन, कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के सूपे बेड़ा में ग्रामीणों ने की शुद्ध पेयजल की मांग, पानी के कारण किडनी की समस्या से अब तक 76 लोगों की हो चुकी है मौत। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का 4था दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
जयपुर में एक कार चालक ने कई थानों के पुलिस को जमकर छुकाया। नाकों पर नाकाबंदी तोड़ते हुए पुलिस वालों पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई। कोटा ग्रामीण में पेट्रोल पंप पर लूट का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर जमकर मचाया था आतंक। तीन बदमाश हो चुके हैं गिरफ्तार। प्रदेश में देखा एसीबी का एक्शन। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जेएन 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो कोटा में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कैशियर 10,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किए गए। बिहार के बक्सर में फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर सड़क किनारे बने मकानों पर चला बुलडोजर। चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर के मकान पर भी चला बुलडोजर। पंजाब में नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 14 फरवरी को होना है मतदान। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन ने आम आदमी पार्टी को कहा नेताहीन। बोले नगर निकाय चुनाव प्रचार के लिए पार्टी को पंजाब में नहीं मिला एक भी नेता। मोहाली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बीएमडब्ल्यू और वेरना कार की जोरदार भिड़ंत। बीएमडब्ल्यू कार में लगी आग। दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का राज्य के बीजेपी सांसदों के साथ डिनर। बजट को लेकर की चर्चा। कोरोना काल में छाई मंदी से उबरने लगा है देश। दिसंबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 1% की वृद्धि। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ। रिटेल महंगाई 16 महीने के निचले स्तर पर। सब्जियां सस्ती होने से जनवरी में रिटेल महंगाई 0.53% से घटकर 4.06% रह गई। महंगाई पर काबू की तैयारी। अप्रैल से जमा रकम पर मिल सकता है ज्यादा इंटरेस्ट। लोन लेने पर ज्यादा देना होगा ब्याज। 15 फरवरी से तेजस एक्सप्रेसवे के रूप में चलेगी दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन। रैक में मरम्मत के चलते रेलवे ने किया बदलाव।